हाय गाइस, वेलकम टू एमपी एग्जाम इन 10 एंड मैं वैशाली राय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बेनिफिट बताने वाली हूँ। हमारा ये चैनल है यान अकेडमी का एक चैनल है, बट सबसे बड़ा प्रिविलेज आपको ये मिल रहा है कि कभी आपके पास टाइम कम है और आपको किसी टॉपिक को बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है तो आप हमारे इस चैनल पे आके किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि हमारे इस चैनल पे किसी भी वीडियो की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी मात्र 10 मिनट की। आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम वैशाली राय है, मैंने बीबीए एंड बीपेड किया है बीएसएस कॉलेज बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ मैंने मेरे पास 5+ एक्सपीरियंस और मैंने क्लैट कैट और एमपीपीएससी के स्टूडेंट को पढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने सीएससी मेन्स लिखा है 2016-17 में, वही मैंने एमपीपीएससी मेन्स दिया है 17 और 18 में। अन अकेडमी आपको 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करवाती है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। जो आप किसी भी स्ट्रीम में क्यों ना हो, आपको ये सारे कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती है। ये आपको डेली लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस देती है जहाँ आप एक साथ एंगेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस जहाँ आप अपनी मंथली, वीकली, डेली बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है जहाँ हम आपको सिलेबस के हिसाब से कोर्सेज लाते हैं ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचिंग दे पाए। वहीं अनलिमिटेड एसेस, मतलब किसी वीडियो को आपको दोबारा देखना है या आपसे मिस हो गई तो आप उसे डाउनलोड करके भी ऑफलाइन अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी ई लर्निंग है अपने फोन में डाउनलोड करना होगा और एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। छोटा सा क्यों, कि हमारा जो अमाउंट है वो मार्केट प्राइस के 10% से भी कम है। एमपीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए एक साल की फीस 70 से 80 होती है, वही 2 साल की फीस 1.5 लाख तक पड़ती है। लेकिन वही चीज हमारा अनअकैडमी आपको 7,000 में देता है और 2 साल की 8,400 में। वहां पर भी आपकी जो मेरा कोड है वैशाली, वो अगर उसे लगा दो तो आपको 10% का वो डिस्काउंट देता है और 1 साल का कोर्स आपको 6,300 का पड़ता है, वही 2 साल का आपको 7,560 का पड़ता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7581-8922-00 पे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वैदिक एज में, जो वैदिक काल है उसमें जो सामाजिक स्तर था या सामाजिक स्टेटस था वो कैसा था, हम उसके बारे में जानेंगे। तो वैदिक लिटरेचर जैसे जो निर्माता थे, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य, आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन व्यक्ति, आर गोरे रंग के लंबे चौड़े बलिष्ठ वीर तथा साहसी होते थे। ठीक है, आर्य ने जिस साहित्य की रचना की थी वह वैदिक साहित्य के नाम से विख्यात है। तो वैदिक लिटरेचर की किसने स्थापना करी या किसने कंपोज किया, वो थे हमारे आर्य लोगों ने। वहीं इसी वैदिक साहित्य में हमें वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में भी विस्तार जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक संस्कृति अथवा पूर्व वैदिक संस्कृति, या तो ऋग्वैदिक कल्चर या प्री वैदिक कल्चर। उसके बाद इसमें आता है हमारा उत्तर वैदिक कल्चर, जिसे हम कहते हैं पोस्ट वैदिक कल्चर। ठीक है, आगे मैं बात करूं तो हमारे ऋग्वैदिक, जो हमारे ऋग्वेद वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक ग्रंथ है, तो उसमें जो ऋग्वेदिक वैदिक था, ऋग्वेद में 10 मंडल है और 128 सूत्र और 10,508 रचनाएं हैं। वहीं ऋग्वेद में हमें ऋग्वेदिक काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऋग्वेदिक जो वेद है, ऋग्वेद काल में समान समय अनुमान का 150 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। वहीं परंतु नवीनतम खोजों के आधार पर एस प्रजा राजा राम तथा डेविड फाले ने ऋग्वेदिक काल का समय 6000 ईस्वी से 3700 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। तो जो ऋग्वेदिक काल का पेड़ है वो अभी तक अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से अलग अलग है। वही जो बेसिस है इनकी, परिवार की अगर मैं बात करूं तो सामाजिक स्थिति में जो इनका परिवार था ऋग्वेदिक काल में, आर्यों के सामाजिक जीवन का मूल अधिकार परिवार था। इस सामाजिक स्थिति युग में संयुक्त परिवार तथा प्रचलित थी, तो परिवार पितृसत्तात्मक मतलब जो जो हमारे फैमिली में जो फादर की होती थी वही पोजिशन होती थी जो आज होती है। परिवार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि सभी सम्मिलित रूप से रहते थे। वही अगर मैं वही अगर मैं पिता परिवार स्त्रियों की दशा का स्वामी होता था, मतलब पिता जो होता था परिवार और जो स्त्रियां होती उनकी जो भी दशा होती, जो होना था उसकी फैमिली में, इससे हाउस होल्डर या गृहपति कहा जाता था। परिवार में सभी सदस्यों तथा भूमि एवं विवाह संपत्ति पर उसका पूर्ण नियंत्रण रहता था। वहां परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता था, सबके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करता था। पत्नी का स्थान भी महत्वपूर्ण था। परिवार में पुत्रजन अवसर पर खुशियां मनाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद स्त्रियों की दशा की बात करूं तो सामाजिक स्थिति में
सामाजिक स्थिति में तो वैदिक काल में स्त्री को बहुत अधिक सम्मान था। स्त्रियां धार्मिक आभूषण एवं श्रृंगार एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेती थी, जो कि जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो स्त्रियों की जो दशा थी वो जो ऋग्वैदिक काल में है, सॉरी जो हमारे वैदिक काल में, उससे थोड़ी सी कम हो गई थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करना, धार्मिक कार्यों में भाग लेना, मनोरंजन के साथ साथ अपने पति चुनने के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। तो वो अपना हस्बैंड खुद चुन सकती थी, इसकी भी स्वतंत्रता हमारे वैदिक काल में स्त्रियों को दी जाती थी। वहीं अगर स्त्रियों की दशा की बात करूं तो यज्ञ हवन तथा कोई भी धार्मिक कार्य वर्ण व्यवस्था बिना पत्नी का पूरा नहीं समझा जाता, मतलब जो विमेंस थी उनके बिना कोई भी पूजा पाठ उन्हें पूरा नहीं समझा जाता था। कन्याओं को ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी, उन्हें उस शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार था। मतलब कुमारों को फाइन आर्ट तो सिखाया ही जाता था, साथ साथ में हायर एजुकेशन के लिए उनके पास उसका अधिकार होता था। कोशा लोक मुद्रा, विश्व बारह अपाला, सिक्का, श्रद्धा, कोलोमी सची आदि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। मतलब वाइस वुमेन जिसे कहते हैं ना, जो बहुत ज्यादा कहेंगे कि जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, तो वो ये कुछ नाम है: घोषा, लोपा मुद्रा, विश्वारा, अपाला, सिक्ता, श्रद्धा, पोलोमी, सची आदि ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। उस समय पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज आदि प्रथा प्रचलित नहीं थी। सोचिए, हमारा तो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, लेकिन आज ही कितनी ज्यादा प्रचलित है। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और आदि प्रचलित नहीं थी। सामाजिक स्थिति में विवाह की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र एवं धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है, धार्मिक कर्तव्य होता था हमारा। अतः इस युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे। विवाह के समय वर और कन्या दोनों वयस्क होते थे, मतलब एडल्ट होते थे, मतलब जो एज उन्हें निर्धारित थी ना एडल्ट होने की, उसके बाद ही शादी, जैसे हमारे यहाँ 18 साल वीमेन्स के लिए और 21 साल मेल्स के लिए होती है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ दिलाने का वचन देते थे। तो वो वचन तो जैसे हमारे आज भी तो जीवन भर, और तो हमारे आज डिवोर्स के केसेस ज्यादा बढ़ गए, बट जैसे उस समय में उनको वचन देते थे वैसे ही आज भी प्रेवलेंट है। साथ ही प्राय एक स्त्री से ही विवाह किया जाता था, परंतु राजवंश के व्यक्ति तथा धनी व्यक्ति एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेते थे। मतलब वैसे तो उनमें एक ही शादी हो सकती थी, बट जो अमीर लोग होते थे या जो राजवंश के होते थे, जो जो राजा महाराजा होते थे, वो एक से ज्यादा बीवियां भी रख लेते थे। अंतर जातीय विवाह तथा विमत नामक ब्राह्मण ने राजकन्या कमदू के साथ विवाह किया था। तो ब्राह्मण का जिसका नाम था विमत, उसने राजकन्या कौमुदी के साथ विवाह किया था, जो कि एक उस समय में अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज थी। विधवा विवाह भी प्रचलित है, नियोग प्रथा भी प्रचलित थी। तो उस समय पे जो विधवा प्रथा थी वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित थी। तो खान पान की बात करें तो ऋग्वैदिक आर्यों का भोजन सादा तथा पौष्टिक था। वे गेहूं, जौ, चावल, दूध, दही, घी, फलों तथा तरकारियां का प्रयोग किया करते थे। साथ साथ दूध दही की इनमें इनसे बनने वाली अन्य वस्तुओं का भी अधिक उपयोग किया जाता था। कुछ चार लोग मांस भक्षण में थे, मतलब ये तो किया जाता था, लेकिन कुछ लोग मांस भी, जो हमारा मीट है, उसे भी खाया करते थे। और आलू का सबसे मधुर पेय पदार्थ सोमरस होता था। सोमरस जो सबसे स्वीटेस्ट बीज जो होता था वो उनका होता था सोमरस। ठीक है, उसके बाद जो आर्य थे, वेशभूषा की बात करें तो आर्य लोग सूती, ऊन तथा रेशमी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये लोग मृग चर्म से बने हुए वस्त्र भी पहनते थे, मतलब जो हमारे हिरण होते थे उसकी स्किन से बने हुए कपड़े भी पहना करते थे। वहीं आर लोग प्राय तीन प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जिन्हें नीजी वास, बसा और अधिवास कहा जाता था। इसमें हमने उनका ट्रेडिशन देख लिया, हमने उनकी वेशभूषा देख ली, हमने ये देख लिया कि वो क्या पहनते थे, क्या खाते थे। साथ ही साथ हमने विमेंस की कंडीशन, जो हम कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा गिर गई थी, लेकिन हमारे वैदिक काल में जो स्त्रियों की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बहुत अच्छी थी। उनके बिना कोई भी धा तो कोई भी धार्मिक कार्य को पूरा नहीं माना जाता था। जो बीवी थी उसकी भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। जो औरतें थी, जो स्त्री थी, उन्हें भी अपना पति चुनने का पूरा अधिकार था। साथ ही साथ जो हमारे पिता सत्तात्मक हमारी ये सोसाइटी हुआ करती थी उस समय पे, और साथ ही साथ जो हमारी जो पिता होता था उसके पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सबका पालन पोषण करने की। तो गाइस, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन से रिगार्डिंग जानकारी है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7581892200। अगर मैं 24 महीने की बात करूँ जिसकी कीमत 7,000 रुपये है, और अगर आप वहाँ मेरा कोड लगाते हैं तो आपको 6,300 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। वहीं अगर मैं 24 महीने की बात करूँ उसकी कीमत 8,400 रुपये है, लेकिन आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको वो 7,560 रुपये का पड़ेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, एंड मेरा कोड लेंगे तो मैं आपको अपना एग्जाम प्रिपरेशन में पर्सनल गाइडेंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड करूंगी। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।